हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च कीमा। कीमा मैंने ये लिया है, आधे किलो कीमा लिया है। चार डाली मैंने प्याज की ली है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, चार मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है, अदरक का लच्छा लिया है आधा इंच का टुकड़ा, और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, काली मिर्ची जाएंगी थोड़ी सी, ये दही ली है मैंने 250 ग्राम, नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, ज़ीरा जाएगा। इसमें मैंने मिर्चें नहीं मिलाई हैं, हम हरी मिर्चों का बना रहे हैं तो हम पिसी हुई मिर्चें नहीं मिलाएंगे। आइए देखिए हरी मिर्च कीमा बनाते हैं, इसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे हरी मिर्च कीमा बनेगा। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा। ये फ्रेंड्स मैंने ये कुकर रख दिया है बनाने के लिए, इसमें मैंने 3 कड़छी ऑयल डाला है, ऑयल गर्म करने रखा है। ज़ीरा डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें मटन डाल दूँगी, ऑनियन भी डाल दूंगी सारी कटी हुई। अब मेरे तरीके से बना के देखिएगा, हरी मिर्च कीमा बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने सारी ऑनियन डाल दी, इसमें अदरक का लच्छा भी डाल दूंगी मैं, ये हाफ टमाटर है ये भी डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक भी डल जाएगा इसमें। बहुत टेस्ट बनता है फ्रेंड्स। हल्दी डलेगी 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डल जाएगा, ये हरी मिर्च हम अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे, थोड़ा इसकी भुनाई करेंगे तभी तार छोड़ देगा। तो हम आपको बताते हैं कि हम दही और हरी मिर्च दोनों साथ डालेंगे, अभी हम इसकी भुनाई करेंगे, 5 मिनट पकाएंगे इसको ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कीमा भुन रहा है, भुनाई हो रही है इसकी, देखिए कलर कितना अच्छा आया है भुनते टाइम। अभी अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम इसको तार छोड़ देंगे, फिर हम इसमें दही और हरी मिर्च मिलाएंगे। इसको और अभी पानी दिखाई दे रहा है, पानी है इसमें, अभी पानी भुन जाए तार छोड़ देगा, उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और दही मिला के सीटी लगाएंगे गलाने के लिए। 5 मिनट इसको यूँ पकने दीजिए। और ओके फ्रेंड्स, हमारी 4 सीटियाँ आ गई हैं, हम इसको खोल के देखेंगे कुकर को। देखिए ये हमारा मटन गल गया है कीमा, ये देखिए अभी हम इसको भूनेंगे, अभी इसमें पानी है, अब इसको हम भून लेंगे, इसको हम भूनेंगे, उसके बाद ये पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अभी 5 मिनट के भूनेंगे इसको हम, इसका भी सारा पानी सब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कीमा गल गया है, देखिए कीमा गल गया है, अब हम इसमें दही डालेंगे, जो हमारी 250 ग्राम दही थी हम इसमें सारी दही डाल देंगे। ये दही है, दही डाल देंगे, इसके साथ साथ हम हरी मिर्चें डाल देंगे ये सारी। अब इसमें हम सीटी लगा देंगे, इसमें हम 3 सीटियाँ और लेंगे, 3 सीटी लेने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे, हमारा हरी मिर्च कीमा तैयार हो जाएगा और हम सीटी लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं सीटी लगाने के बाद, 3-4 सीटियाँ लेके फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 सीटियाँ आ गई हैं, हम इसको खोल के देखेंगे कुकर को। देखिए ये हमारा मटन गल गया है कीमा, ये देखिए अभी हम इसको भूनेंगे, अभी इसमें पानी है, अब इसको हम भून लेंगे, तो हम भूनेंगे, उसके बाद ये पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे।
अभी 5 मिनट के भूनेंगे इसको हम, इसका भी सांदा पानी सब खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा ये कीमा भून गया है, तार छोड़ दिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे गलाने का। हमने इसमें 1/2 ग्लास पानी डालना है। अब हम इसमें सीटी लगा देंगे। इसमें हम सीटी लगा देंगे, सीटी लगा दिया हमने इसको, हम 5-6 सीटियाँ लेंगे इसमें, फिर हम खोल के देखेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये हरी मिर्च कीमा बनके तैयार हो गया है। देखिए तार आ गया है, फाइनल टच हो गया है ये। अब हम इसमें हरा धनिया मिला देंगे सारा। अब हम इसको सर्व करेंगे, बाउल में निकाल लेंगे कुकर में से। ये देखिए हमारा हरी मिर्च, आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल कम डाल के बनाया है ये। ये देखिए हरी मिर्च कीमा तैयार हो गया है। अभी मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ।